बढ़ती उम्र और वक्त की किससे रिश्तेदारी है, आज हमारी तो कल तुम्हारी बारी है। तो याद रखिए, बनोगे सहारा तो मिलेगा सहारा, बनोगे सहारा तो मिलेगा सहारा, एक दूजे का सहारा टाइम बैंक हमारा, एक दूजे का सहारा टाइम बैंक हमारा, इसी भावना पर है टाइम बैंक हमारा। बनोगे सहारा तो मिलेगा सहारा, सबका ये प्यारा टाइम बैंक हमारा, सबका ये प्यारा। सुनो जी, आज क्या सब्जी बनाऊं? बना लो कुछ भी। अरे ये कुछ भी नाम की सब्जी अगर मालूम होती तो रोज वही बनाते। आप सबके अरे तब तक इस अखबार में घुसे रहोगे, अब तो ये भी तुम्हें देख देख के बोर हो गया होगा। अरे भगवान, अखबार पढ़ने से दिमाग तेज होता है, तुम भी पढ़ लिया करो, तुम्हारी याददाश्त को भी थोड़ी धार लग जाएगी। हाँ हाँ, अपनी याददाश्त को तो धार लगा ली ना तुमने। कल चश्मा ढूंढ रहे थे, एक घंटा तक ढूंढते रहे और मिला कहाँ? खुद के सर पे। अरे मैं सोच रहा था तुमने छुपा दिया है कि तुम्हारा भी तो भरोसा नहीं है ना, सोच रही होगी मैं तुमसे बात कर लूँ। हाँ चलो, मानी तुम्हारी बात, तुम हारे मैं जीती। वो तो वैसा ही है ही। अरे सुन ला यार, तुम्हें बताना भूल गया, आज मेरा डॉक्टर झटका से अपॉइंटमेंट आया यार, काम का एक महीने पहले लिया था बहुत मुश्किल से। अरे हाँ, डॉक्टर झटका का अपॉइंटमेंट? अरे तो सुबह क्यों नहीं बताया, जाओगी कैसे? तुम्हें तो कार भी नहीं चलानी आती, डॉक्टर को भी मालूम है कैसी कार चलाते हो तुम। हाँ ठीक है, तो बुला लो ना सामने से माथुर साहब को। अरे माथुर साहब के घर तो 4 दिन से ताला पड़ा है, कप्पू के घर गए होंगे पर मालूम कार बता कर नहीं गए। तो फिर वो तुम्हारी सहेली है ना नीलम, तो पत्नी की सहेली का नाम कभी याद मत करना। वो तुम्हारी सहेली है ना, क्या नाम है उसका, वो गाड़ी चलाती है जो, उसको बुला लो। अरे वो तो पूरे परिवार के साथ 4 धाम की यात्रा पर गई है। सुनो हे भगवान, तुम वो टाइम बैंक वालों को क्यों नहीं फोन लगाते? हाँ अच्छा आइडिया है, यही करता हूँ। बिना अखबार पर याददाश्त होगी तुम्हारी। ये तीन नाम सुमित को लगा, वो ठीक है। सुभाष जी ना को, हेलो। हाँ सुभाष जी, कैसे हैं आप? ठीक है, लेकिन बस जरा उतना ठीक भी नहीं है। क्यों, क्या हुआ? मेरा डॉक्टर झटका से अपॉइंटमेंट था आज का। हाँ डॉक्टर झटका, सही समझे आप। अच्छा, एक महीने पहले लिया था बड़ी मुश्किल से, इसलिए मिस भी नहीं कर सकते। और कार चलाने के लिए मुझे मना किया हुआ डॉक्टर ने, इसलिए आपको फोन किया। ओके ओके, आप परेशान मत होइए, मैं ऐसा करता हूँ कि अपने ग्रुप पे आपकी रिक्वेस्ट पोस्ट कर देता हूँ और किसी को भेजता हूँ। मीनवाइल आप भी अपनी तरफ से एक रिक्वेस्ट डाल दीजिए, ठीक है ना? जो करता हूँ। चलो तू पूछती थी ना टाइम बैंक क्या करता है, ये करता है टाइम बैंक। चलो मैं तैयार होता हूँ और तुम भी चाय बनाओ फटाफट। ये पोस्ट कर दिया मैंने। हाँ अदर
अदरक वाली बनाना, अच्छी वाली अदरक वाली। ओके हेलो, हाँ वर्मा जी आप जयपुर में ही हैं? अच्छा अच्छा, आज ही मद्रास से बुला रहे। यार एक मदद की आवश्यकता थी। अपने वो सुभाष जी है ना, हाँ हाँ वही जो आपकी गली में पीछे की तरफ रहते हैं ना, हाँ हाँ वही वही वही, उनका डॉक्टर का अपॉइंटमेंट है और डॉक्टर ने उनको कार चलाने के लिए मना किया है। अच्छा आप अपनी कार से ले जाएंगे? अरे इससे बढ़िया क्या हो सकता है। थैंक यू सो मच। हाँ 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 हाँ, लेकिन एक बात याद रखें यार, जब आप लौट के आओ ना तो अपने जाने का टाइम और लौटने का टाइम दोनों नोट करा देना, है ना। आपसे तो क्या छुपा है, टाइम नहीं का, टाइम नहीं का अपना सिस्टम है ना, कि आप अगर वो टाइम अगर नोट करा देंगे तो वहाँ एंट्री रहेगी उसमें, है ना। और जब आपको आवश्यकता होगी ना, हाँ 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 हाँ, तब आपके हाँ हाँ ये अपना सिस्टम। हाँ थैंक यू सो मच। हाँ ठीक ओके। आनंदी को फोन लगाती हूँ। आनंदी हमारी एडमिन है, बड़ी भली औरत है और हाँ वो मेरी बकबक पूरी झेल लेती है। ओहो कुसुम जी का फोन, लगता है प्रियंका जी आज भी नहीं पहुंची है। हेलो, हाँ कुसुम मैडम, मैं आनंदी बोल रही हूँ, कैसे हो आप? हेलो, हाँ कुसुम मैडम। हाँ जी हाँ, मैं आनंदी बोल रही हूँ, कैसे हो आप? आनंदी जी, मैंने एक हफ्ते के लिए रिक्वेस्ट लगाई थी किसी महिला सदस्य को भेजने की जी। देखिए 4-5 दिन तो सब बढ़िया रहा, पर आज तो कोई आया ही नहीं और ना ही कोई फोन आया है, जरा मालूम करें। हो सकता है प्रियंका जी कहीं गई होगी और वो मुझे मैसेज करना भूल गई होगी। मैं ग्रुप में देखती हूँ, चेक करती हूँ, यदि वो नहीं आ रही होगी तो मैं किसी और को भेजती हूँ। ठीक है वरना आनंदी जी आप खुद ही क्यों नहीं आ जाती। और हाँ मेरे वो समोसे जरूर ले आइएगा, और हाँ सुनिए सुनिए मीठी चटनी जरूर डलवाना। और हाँ मैं
ऑनलाइन कर दूंगी। ठीक है ओके। किसको फोन करूं? सुमित जी को फोन करती हूँ मैं। जी और हमारे निर्देशक जो हैं
एसपी वर्मा साहब और टाइम बैंक की सदस्य के रूप में थी आपके अंजू पीयूष जी। बहुत बहुत धन्यवाद टीम का, टीम टाइम बैंक ऑफ इंडिया। और मैं हमारे ए टी प्लस की सुपरस्टार से इनसे विनम्रता से मैं माफ़ी मांगना चाहती हूँ, क्योंकि हमारे गेस्ट को जाना था इसलिए हमने कार्यक्रम थोड़ा बीच में पॉज दे दिया। लेकिन आप यहाँ पर आए हैं तो ऐसे तो आपको नहीं जाने देंगे, तो कार्यक्रम को कंटिन्यू करते हैं।